क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले के स्मृति दिवस पर मनरेगा मजदूर यूनियन व किशोर युवा मंच द्वारा रविवार को महिला मजदूर अधिकार सम्मेलन का आयोजन गौर के मधुकर शाहपुर में स्थित सरकारी दवाखाना के पास किया गया। सम्मेलन में संगठन से जुड़ी 25 गांव की हजारों महिलाओं ने भाग लिया। सम्मेलन के माध्यम से महिलाओं को समाज में बराबरी का हक मिले, मनरेगा अंतर्गत साल में 200 दिनों का काम मिले, एक दिन की मजदूरी 800 रुपए मिले, सभी का स्वास्थ्य कार्ड बने, राशन कार्ड पर प्रतिमाह 15 किलो राशन के साथ खाद्य तेल, गैस सिलेंडर और सूखी सब्जी मिले, सभी बुजुर्ग महिला मजदूरों को पेंशन की मांग की गई। सम्मेलन में वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता अरविंद मूर्ति ने कहा कि ये महिलाओं के श्रम का ही नतीजा है कि हम लोग यहाँ इतनी बड़ी संख्या में एकत्रित होकर अपनी बात कह रहे हैं। हम बिना बराबरी का हक लिए रुकने वाले नहीं। महिलाएं आज पुरुषों से कंधा मिलाकर साथ चल रही हैं। सम्मेलन में मनरेगा मजदूर यूनियन के संयोजक सुरेश राठौर ने कहा कि महिलाओं को कभी दुर्गा कभी काली के नाम पर पूजा तो जाता है, पर समाज में इनके साथ शोषण भी किया जाता है। इसके लिए महिलाओं को ही आगे आना होगा और अपने हक के लिए अपनी आवाज को बुलंद करना होगा। हमें वोट की चोट करनी पड़ेगी, तभी हमें हमारा हक अधिकार मिलेगा। सम्मेलन को जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता जागृति राही ने भी संबोधित करते हुए कहा कि अब महिलाएं पीछे नहीं रह गई हैं। महिलाओं को आबादी के अनुसार बराबरी का हक देना ही होगा। अब महिलाएं चुप नहीं बैठने वाली हैं। सम्मेलन का संचालन मनरेगा मजदूर यूनियन की रेणु पटेल ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन किशोरी युवा मंच की सपना ने किया। सम्मेलन में सुरेश राठौर, पूजा मुस्तफा, सरोज, प्रियंका, प्रतिभा, राजकुमार गुप्ता, प्रिया, शीला, रीता, मंगरा, आशा, साधना, सुदामा, मीरा, सपना, पूजा देवी, संगीता, नगीना, सुशीला आदि लोग शामिल हुए। उद्देश्य यही है कि लोगों में जागरूकता आए और जो मजदूरों के इस चुनाव में जो आगामी लोकसभा चुनाव आ रहा है उसमें महिला मजदूरों के बारे में खासतौर से बातचीत हो, क्योंकि जब बातचीत होती है मजदूरों की तो शायद पुरुषों के बारे में बातचीत होती है, पर महिला मजदूरों के बारे में बिल्कुल बात नहीं हो पाती।